हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शमून। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो है योगी जी रिटर्न्स के ऊपर। दोबारा से हम लोग एक जो योगी जी रिटर्न्स के ऊपर लिया है इस बार, और ये भी है ठग लाइफ। और जो है देखते हैं ये क्या है। ये मेरे ख्याल से दोबारा CM बने उसके बाद की जो है ठग लाइफ है। सो देखते हैं ये क्या, इसके अंदर कैसे ठग लाइफ होते हैं। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने इनके ठग लाइफ के ऊपर रिएक्शन दिया था, उसका लिंक दे देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके देखना, बड़ा मजा आया था उसको भी देख के। सो गाइस, अभी करते हैं ये योगी जी वाली रिटर्न्स वाली स्टार्ट वीडियो। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ओके, अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा, इंशाल्लाह होगा। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। योगी जी, 35 साल से उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया। मैं आऊंगा ना। ओ तेरी खैर। आपने मुझे सवाल ही नहीं पूछने दिया, मैं यही पूछ रही थी कि ये रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं। मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं हम लोग। ओके, जवाने की तस्वीर है। स्टाइल है बंदे का, वैसे कहाँ से स्टाइल है, लग रहा पता लगे भाई CM आ रहा है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। क्या बात है। चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है। ये एंकर बड़ा फनी है यार, इसके मेरे 2-4 क्लिप देखे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी, जिसमें दम होगा वही बनाएगा। क्या बात है। वही मथुरा को ही बनाएगा, और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया, हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो तो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, मतलब बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए, जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं जो बोलते थे भी है। जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, अयोध्या कहां गए सब, कहां गायब हो गए। हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके। क्या बात है, तेरा बाप आया, डंके की चोट पे मिल गया। इतने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं, इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया, DJ नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें DJ भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ।
कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बहुत सही है, मजा आया। टू बी कंटिन्यूड। ओके सो गाइस, यदि वीडियो, अगर इसकी कोई दूसरी वीडियो है वो भी बताना, हम वो भी जरूर देखेंगे। उसके ऊपर अगर आप लोग रिएक्शन देखना चाहते हो तो वैसे हम तो करेंगे, मजा आएगा, हम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। तो गाइस वीडियो पे आते हैं। वीडियो काफी जबरदस्त थी एक बार फिर से, और जिस तरीके से इनका बोलने का स्टाइल है इनका, और जो है एक अलग ही एटीट्यूड है बंदे का दिखता है भाई के, मजा है। और जिससे पहले वाली हम लोगों ने ठग लाइफ रिएक्शन, जिसके ऊपर रिएक्शन किया था ठग लाइफ के ऊपर, वो थोड़ा जो है डिफरेंट टाइप का ठग लाइफ था। उसके अंदर जो है अपना काफी ज्यादा वाले इशू थे, अपना देशभक्त वाली हम लोग जो कह रहे थे, देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त लग रहे थे उसके अंदर, ये वाले उस टाइप के ठग लाइफ थे। मगर इसमें ज्यादातर फनी, इसमें फनी वे में जो थे, और ये मेरे ख्याल से अब वो दोबारा सीएम बन गए हैं, अब तो मेरे ख्याल से तिबारा बन जाएंगे वो, क्योंकि हो सकता है अब, क्योंकि इंडिया के एक डेढ़ साल बाद, दो साल बाद दोबारा इलेक्शन हो। क्योंकि एक कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था 2023 में, आई थिंक कमेंट था 24 में जो है पीएम मोदी और योगी दोबारा आएंगे। सो गाइस देखते हैं क्या होगा, और आप लोग किसको वोट और सपोर्ट करते हो ज़रूर बताना। सो गाइस यही थी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को इनकी वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो जाके फर्स्ट फौरन। सो गाइस यही थी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए घंटा बजा देना भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।